क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 को रीड आउट करते हैं। इफ यू इज इक्वल टू ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड, प्रूव दैट डेल क्यू यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 + 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू यू। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, किसके रिस्पेक्ट में पहले आप करोगे डिफरेंशिएशन, ये सवाल आ जाता है ना माइंड में। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, कि सबसे पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो या वाई या जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये डिपेंड आपके ऊपर में करता है। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, अगर आप एक्स को पहले लेके चले तो जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है और डेल यू अपॉन डेल वाई है और डेल यू अपॉन डेल जेड है, उनके ऑर्डर में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले जेड का डिफरेंशिएशन करें, फिर वाई का, फिर एक्स का, ठीक है, पीछे से चल रहे, ठीक है। इससे क्या होगा कि ऑर्डर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अलाइनमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक, और जो फंक्शन गिवन है उसको करते हैं कॉपी। तो यू इज इक्वल टू ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड, अपना जो तरीका वही लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ यू पार्शियल है ना, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये जेड जेड, ठीक। तो यू का डिफरेंशिएशन डेल यू अपॉन डेल डेल एक्स के रूप में डेल जेड इज इक्वल टू, ठीक है। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा एक्स वाई जेड, अगेन डिफरेंशिएशन आपको करना है जेड के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड यानी इसकी पावर का है, तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जेड का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे पावर 1 है तो यहां से मिलेगा आपको एक्स वाई, एक्स वाई ब्रैकेट में ले। अब सुनो, इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इसे मानना, इसे सेकंड फंक्शन मानना, ठीक है, और बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है, कि हमारे पास में तीन फंक्शन आ गए कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। कंपोजिट फंक्शन को माइंड में थोड़ा सा रखो, आराम से सॉल्व कर लिया हो। तो डेल यू बाई डेल जेड तो निकालना है, ठीक, अगर हमें निकालना है वाई तो हम क्या कर सकते हैं, डेल बाई डेल वाई, इंट्रो में बताया था मैंने, डेल यू बाई डेल जेड फंक्शन का कर दो डिफरेंशिएशन, चलिए। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को तो अपना आदत ही छोड़ने का, ठीक है, छोड़ दिया, ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड डेल बाई डेल वाई, ठीक है, एक्स वाई है, ठीक है, प्लस दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए एक्स वाई को छोड़ दो, डेल बाई डेल वाई ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। चलो इसको जब प्रोडक्ट करोगे तो डेल स्क्वायर यू वाई डेल जेड इज इक्वल टू, इस फंक्शन को कॉपी कर लो, ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, अगर लगाना चाहे तो, लेकिन मैं कहूंगा कि यार प्रोडक्ट लगाओ ही बिना। तो जब आप मान लो इस फंक्शन को मान रहे हो, सपोज सपोज मान, अभी यहाँ वाई कम करेंगे तो इजिली आ जाएगा, क्या आप फायदा प्रोडक्ट लगा के, ठीक है, इससे बेहतर है और डायरेक्ट सॉल्व करो। तो वाई के रिस्पेक्ट में करें तो यहां से मिल जाएगा हमें एक्स प्लस, ठीक है, एक्स वाई को छोड़ दो, ठीक है, एक्स वाई को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन करोगे ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड का तो वही मिलेगा, अगेन इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्स जेड मिलेगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे तो एक्स जेड मिलेगा, ठीक है। चलो एक्स ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड प्लस, जरा सा इसको प्रोडक्ट करो तो यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड, कॉमन ले लो यार, ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड को कॉमन ले लो,
और आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। e टेंडिंग टू पावर x, y, z को हमने कॉमन ले लिया, x प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं है, y है, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। यहां से क्या मिल गया, डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल वाई डेल जेड। अब हम इसे कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई डेल जेड। अगर पहले एक्स का करते हैं ना तो थोड़ा सा जो है इसके ऑर्डर में प्रॉब्लम आ सकता है। आगे इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसे मानो सेकेंड फंक्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट को छोड़ दो, चलो छोड़ दिया, ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, प्लस नीचे प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करोगे किसका, ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड का, ध्यान दीजिए जरा सा, ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक्स कॉपी कर लो एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, इसके पावर को अगेन डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहां से मिलेगा आपको वाई जेड, ठीक है, कॉमन ले लो ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया तो हमारे पास में है 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, और इससे प्रोडक्ट इसको कर देते हैं, लेकिन मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू वाई जेड, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड प्लस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, जो एड हो रहा है उसे एड कर दो, ठीक है, ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, 1 प्लस, देखो 2 यहां पे और 1 यहां पे, कितना मिल जाएगा 3 xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, ई टेंडिंग टू पावर एक्स वाई जेड के प्लेस पे क्या हम यू को रख सकते हैं या नहीं रख सकते, रख सकते, ठीक है, तो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इनटू में यू, ठीक है, ये क्या आपका निकल के आया, तो ये निकल के आया है आपका डेल क्यू यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल, ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, मिला ले आंसर, अगर कोई मिस्टेक होगा तो हम सही करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, अपना कॉपी किया।